हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज हम पढ़ेंगे टूल्स यूज्ड इन टाइम स्टडी। तो जो लास्ट क्लास थी बच्चों, वो हमारी टाइम स्टडी की थी, वर्क मेजरमेंट। तो आज हम टूल्स यूज्ड इन टाइम स्टडी पढ़ेंगे, मतलब टाइम स्टडी में जो टूल्स यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे ने टाइम स्टडी वाली क्लास ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके उसको देख लें। क्योंकि बच्चों ये जो लेक्चर होते हैं ये क्लास वाइज ही आपको ज़्यादा समझ में आएंगे कि किस टॉपिक से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया, कि उससे रिलेटेड कुछ है या नहीं। अगर बिल्कुल न्यू टॉपिक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। द टाइम स्टडी इक्विपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला है टाइम मेजरिंग इक्विपमेंट, जिसमें स्टॉप वॉच, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोशन पिक्चर कैमरा। आपको पता है बच्चों, टाइम हमें रिकॉर्ड करना है टाइम स्टडी में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें स्टॉप वॉच ही होती है, जो हमने मोबाइल में भी देखी है। कुछ घड़ियाँ भी आती हैं स्टॉप वॉच की, तो वो भी ठीक है। तो मेन तो ये स्टॉप वॉच ही होती है, जैसे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि स्टॉप वॉच भी आजकल जो डिजिटल वाली भी आ रही हैं, पहले एनालॉग भी आती थी। मोशन पिक्चर कैमरा, ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपके क्या करते हैं कि छोटे छोटे, मतलब कैमरा लगा होता है, वो आपके छोटे छोटे मोशन को दिखाता रहता है और उसमें वो टाइम भी रिकॉर्ड करता रहता है, ठीक है। और सेकंड है इसका ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, जिसमें टाइम स्टडी बोर्ड, टाइम स्टडी फॉर्म्स, कैलकुलेटर, स्केल, टैप, टैकोमीटर और एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब पहला वाला जो हो गया टाइम मेजरिंग इक्विपमेंट, तो वो मेन इक्विपमेंट है, ठीक है, जिनसे आप मेजरिंग करने वाले हो। और ऑक्सिलरी इक्विपमेंट क्या है, जो टाइम मेजरिंग इक्विपमेंट के सपोर्टिव एलिमेंट हैं, मतलब इनको उनके साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। अभी हम ये पढ़ेंगे कि टाइम स्टडी बोर्ड और टाइम स्टडी फॉर्म क्या होते हैं, ये अभी आगे डिटेल में इसी वीडियो में है लास्ट में। और स्टॉप वॉच इज द बेसिक टाइम मेजरिंग डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड फोटोग्राफिक टेक्निक्स आर यूज टू रिकॉर्ड द टाइमिंग व्हेन एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इज मोर। तो ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि टाइम स्टॉप वॉच जो है वो सबसे बेसिक है, वो तो जनरली सब में यूज़ होनी है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फोटोग्राफिक टेक्निक जो है वो वहाँ पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है या ऑपरेशन थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आती है स्टॉप वॉच, ये इंपॉर्टेंट है। स्टॉप वॉच इज़ अ मेजरिंग डिवाइस टू ऑब्जर्व द एलिमेंटल थिंग्स एंड यूजुअली 8 decimal वॉच इज यूज्ड। स्टॉप वॉच लगभग सभी ने देखी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे हम जो स्टडी में पढ़ेंगे, इसमें दो हैंड होते हैं, मतलब दो सुइयाँ होती हैं। द स्मॉल हैंड रिप्रेजेंट मिनट ऑन डायल, जो छोटी वाली होती है वो डायल पे मिनट को रिप्रेजेंट करती है, और कंप्लीट 1 revolution in 30 minutes, और 30 मिनट में एक चक्कर उसका पूरा होता है, ठीक है। और जो बड़ी सुई होती है वो सेंटीमिनट्स को डिनोट करती है, एंड कंप्लीट 1 revolution in 1 minute, और वो 1 minute में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। एंड ईच डिविज़न ऑन लार्ज डायल रीड्स 0.01 minutes, और उसका जो है जो बड़ी सुई होती है वो 0.01 मिनट को, मतलब 1/100 हो गया, ठीक है, 1 मिनट का 100वां भाग को रीड करती है। तो मैं अभी आपको स्टॉप वॉच का डायग्राम दिखाता हूँ। बच्चे देखो, आप ये डायग्राम में स्टॉप वॉच देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं एक छोटा इंडिकेटर है, मतलब एक डायल है और उस पर एक बड़ा डायल है, छोटी सुई बड़ी सुई, जो भी हम आप समझा रहे थे। और इसमें ए पे लिखा हुआ है स्लाइड फॉर स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग द मूवमेंट, ये एक स्विच हो गया जिससे आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट और एंड करोगे। और बी पे क्या है, एक विंडिंग नॉब है, एक नॉब की तरीके से होता है बटन दबाने का। प्रेशर ऑन दिस नॉब रिटर्न बोथ द हैंड्स टू जीरो, इसको दबाने से आपके जो दोनों पॉइंटर हैं वो जीरो पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी रहे ना, मिनट वाली सुई पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 10 parts में इक्वल आ रहा है ना, तो इसलिए वो जो आया था कि, और ये 1 minute में घूमता है एक चक्कर, तो इसका क्या है, 1 revolution in 1 minute, एंड ईच डिविजन ऑन लार्ज डायल रीच 0.01 minutes, तो एक मूवमेंट जो है 0.01 minutes के इक्वल इसका होता है। आगे है कि स्टॉप वॉच जो है मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप, ये 3 तरीके की होती हैं, नॉन फ्लाई बैक, फ्लाई बैक और स्प्लिट हैंड और स्प्लिट सेकेंड टाइप, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं क्या होता है इनमें। फर्स्ट है नॉन फ्लाई बैक। तो पहले बच्चों नॉन फ्लाई बैक स्टॉप वॉच के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ प्रिफर्ड फॉर कंटिन्यूस टाइमिंग, जहाँ पे कंटिन्यूस टाइमिंग को नोट करना होता है वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। फर्स्ट प्रेसिंग ऑफ द विंडिंग नॉब स्टार्ट द वॉच, जब आप पहली बार विंडिंग नॉब को दबाएंगे तो जो स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड लॉन्ग हैंड बिगिंस मूविंग, और जो बड़ी वाली सुई है वो मूव करने लगेगी, ठीक है। इफ़ विंडिंग नॉब इज प्रेस सेकेंड टाइम, और अगर हम विंडिंग नॉब को दोबारा दबाएंगे, द लॉन्ग हैंड स्टॉप्स, तो बड़ी सुई जो है वो आपकी वहाँ पर रुक जाएगी। एंड विथ थर्ड
प्रेसिंग हैंड रिटर्न्स टू जीरो पोजीशन। अगर आप उसको फिर एक बार और दबाएंगे तो आपकी जो सुई है वो वापस जीरो पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, जिस तरीके की मूवमेंट आप देख रहे हैं उसी हिसाब से विंड नॉब को दबाते रहते हैं कि जब मान लो ऑपरेटर ने काम करना स्टार्ट किया, आपने नॉब को दबाया, स्टॉपवॉच स्टार्ट हो गई, ठीक है। जब उसने काम बंद कर दिया तब आपने स्टॉपवॉच का नॉब को फिर दबाया, वो वहीं पे रुक गई, वो टाइम आपने नोट कर लिया, ठीक है। फिर तीसरी बार दबाया तो वो जीरो पे चली गई, नई रीडिंग के लिए आपकी स्टॉपवॉच तैयार हो गई। तो ये बिल्कुल बेसिक है, नॉन फ्लाईबैक, ठीक है। लेकिन इसमें एक केस लिखा हुआ है कि इफ़ टू एलिमेंट्स आर टू बी टाइम एंड द सेकेंड एलिमेंट इज इमिडिएटली आफ्टर द फर्स्ट, अगर हम कोई दो घटनाओं को देख रहे हैं, दो एक्टिविटी को देख रहे हैं और दूसरी घटना पहली घटना के समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू हो रही है, ठीक है, तो ये वाली जो स्टॉप वॉच है वहाँ काम नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि आपको बताया ना, ये तो कहाँ के लिए यूज़फुल है कि जहाँ पे एक तरीके की एक्टिविटी हो रही है उसी को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसी को लिख दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई दो एक्टिविटी हैं जहाँ पे पहली एक्टिविटी ख़त्म होते ही दूसरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो वहाँ पे इस घड़ी से अगर हम टाइम नोट करेंगे ना स्टॉपवॉच से, तो वहाँ पे एरर आ जाएगी बच्चों, है ना। क्योंकि आप क्या करोगे, इतनी देर में नॉब को प्रेस करोगे और वहाँ पे वो ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका होगा, तो बहुत माइनर सा सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा, और हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी डिफरेंस ना आए, हम करेक्ट एक्यूरेसी चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो सेकंड टाइप की है फ्लाईबैक और स्प्लिट हैंड टाइप, ये दो तरीके की स्टॉपवॉच यूज होती हैं, ठीक है। सेकंड है फ्लाईबैक स्टॉपवॉच, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखिए, इन फ्लाईबैक स्टॉपवॉच द वॉच इज स्टॉप्ड एंड स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड। इसमें जो है स्टॉपवॉच नॉब से स्टार्ट नहीं हो रही, इसमें वो जो स्लाइडिंग का बटन है उससे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इफ प्रेसिंग द विंडिंग नॉब ब्रिंग्स द हैंड बैक टू जीरो, जब आप नॉब दबाएंगे तो आपका पॉइंटर जीरो पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉपवॉच रुकती नहीं है, बट दे डू नॉट स्टॉप, स्टार्ट इमिडिएटली मूविंग फॉरवर्ड अगेन। जैसे ही आप नॉब दबाओगे तो वो जीरो पे आया और उसके बाद वो बिना रुके फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ ये हेल्प मिल रही है कि अगर कोई दो एक्टिविटी हैं और वो कंटिन्यूस हो रही है कि पहली हुई अब दूसरी बिना रुके ही स्टार्ट हो गई है और हमें उसका टाइम कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। टू स्टॉप द हैंड्स एट एनी पॉइंट स्लाइड इज़ यूज, जहाँ भी आपको सुई को रोकनी है वहाँ पे आप स्लाइड का यूज़ करेंगे, नॉब का नहीं, ठीक है। दिस स्टॉप वॉच इज प्रेफर्ड फॉर कंटिन्यूस टाइमिंग ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे ये फिर वही बात आ रही है बच्चों की, जहाँ पे कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ आपकी दो हो रही हैं कि पहली ख़त्म हुई और तुरंत दूसरी स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे आप फ्लाईबैक स्टॉप वॉच को यूज़ करेंगे। थर्ड है बच्चों स्प्लिट हैंड टाइप स्टॉप वॉच, ये जो है सेकेंड जो हमारी थी फ्लाईबैक स्टॉप वॉच, उसी का ये एक एडवांस रूप है। इसमें क्या होता है कि ये भी वहीं पे हेल्पफुल है कि जहाँ पे दो एक्टिविटी होंगी, एक के बाद तुरंत दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, द वन इमिडिएटली फॉलोज द अदर, ठीक है। एज वन एलिमेंट फिनिश प्रेसिंग द विंडिंग नॉब, जैसे ही एक एक्टिविटी ख़त्म होती है हम क्या कर रहे हैं, विंडिंग नॉब को दबा देंगे, प्रेसिंग द विंडिंग नॉब मेक्स वन एंड टू स्टॉप, जिससे क्या होगा कि एक सुई रुक जाएगी, ठीक है। वाइल द अदर कीप्स मूविंग, लेकिन दूसरी वाली चलती रहेगी, तो वहाँ तक का टाइम उससे नोट कर लेंगे, फिर उससे दूसरी एक्टिविटी आपकी जो है वो आगे वाली सुई से काउंट हो जाएगी, है ना। आफ्टर द रिकॉर्डिंग हैज़ बिन टेकन, जब आपकी रिकॉर्डिंग हो जाए, सेकेंड प्रेसिंग ऑफ द नॉब रीस्टार्ट द स्टॉप हैंड, जब आपकी दोनों एक्टिविटी नोट हो जाए तो आप क्या करोगे, दोबारा नॉब को दबाओगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपकी जो रुकी हुई सुई थी वो दोबारा चल पड़ेगी, द स्टॉप हैंड एंड द टू हैंड्स गो टुगेदर, अब दोनों सुई जो है वो आपकी साथ साथ चलेंगी। इस तरीके से स्प्लिट हैंड टाइप स्टॉप वॉच में टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये स्प्लिट हैंड टाइप और फ्लाईबैक जो है दोनों लगभग एक जैसा ही काम करती हैं, कि दोनों ही एक्टिविटी जब एक के बाद एक दूसरी तुरंत शुरू हो रही हो और उनके बीच में गैप ना हो, तो वहाँ पर टाइम रिकॉर्ड करने के लिए इन दोनों स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बच्चों स्टॉप वॉच के बारे में हो गया। अब सेकेंड जो हमारा इक्विपमेंट है वो है टाइम स्टडी बोर्ड। तो ये देखिए बच्चों, आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं टाइम स्टडी बोर्ड है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, आगे डेफिनेशन भी है। इसमें देख रहे हैं बोर्ड में क्या होता है, ये प्लाईवुड का या प्लास्टिक का बना हो, किसी भी मेटल का हो सकता है, इसके कोने में एक स्टॉप वॉच लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक बोर्ड में स्टॉप वॉच को साथ में कनेक्ट कर देते हैं, ताकि वो जो रीडिंग लेने वाला है और जो ऑब्जर्वर है वो ऐसा ना हो कि एक हाथ से स्टॉप वॉच को पकड़े और एक हाथ से शीट को पकड़े। तो ये हैंडी बन जाता है कि स्टॉप वॉच को उसमें कनेक्ट कर देते हैं और वो ईजिली रीडिंग देख के, और ये आप देख रहे हैं एलिमेंट रीडिंग इन वर्क साइकिल,
तो यहाँ पे वो उसको फिल करता रहेगा, और इसमें बाकी डिटेल भी है, जैसे ऑपरेटर है, पार्ट का नाम, पार्ट नंबर, मशीन नेम किस मशीन पे है, ठीक है, डिपार्टमेंट, ऑपरेटर, तो ये सारी चीज़ें इसमें फिल होंगी। और यहाँ पे एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये ऑब्जर्वेशन है कि आपने पहली रीडिंग और फिर रीडिंग इन वर्क साइकिल, जितना भी टाइम आएगा आप इसमें वो नोट करते हुए चले जाएंगे, और बाद में एवरेज निकाल के उसका लिख देंगे, तभी जाके स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारे बनाए जाते हैं ऐसी एनालिसिस करने के बाद। तो आप टाइम स्टडी बोर्ड देख ही चुके हैं, अब इसके ये इसके बारे में देख लीजिए। इट इज़ अ सिंपली फ्लैट बोर्ड, यूजली अ प्लाई बोर्ड और सुटेबल प्लास्टिक सीट, ऑन विच फॉर्म्स फॉर रिकॉर्डिंग द टाइम स्टडीज आर प्लेस्ड यूजिंग ए क्लिप। ठीक है, ये मतलब फ्लैट बोर्ड होता है, चाहे वो प्लाई बोर्ड का हो या प्लास्टिक का हो, ठीक है, और इसमें टाइम स्टडी सीट लगी होती है जिसपे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, और उसी के कोने में घड़ी लगी होती है, स्टॉप वॉच। द बोर्ड हैज़ अ फिटिंग टू होल्ड द स्टॉप वॉच सो दैट द हैंड्स ऑफ वर्क स्टडी मैन आर लेफ्ट रिलेटिवली फ्री एंड द वॉच इज इन द पोजिशन टू बी रेडी ईजिली। तो इस तरीके से वॉच लगाई जाती है ताकि उसका एक हाथ फ्री हो जाए, नहीं तो एक हाथ से वो स्टॉप वॉच ही पकड़े रहेगा। ठीक है, तो ये टाइम स्टडी बोर्ड था बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम स्टडी फॉर्म्स, वो लास्ट है। ये आप देख रहे हैं बच्चों टाइम स्टडी फॉर्म। ये टाइम स्टडी फॉर्म को जो है टाइम स्टडी बोर्ड के साथ लगाया जाता है, ठीक है, तो ये उसी फॉर्मेट मतलब उसी साइज में होता है ताकि दोनों एक साथ अटैच हो जाएं। तो हम टाइम स्टडी बोर्ड और टाइम स्टडी फॉर्म को एक साथ ही लगाते हैं, और इसमें भी आप देख रहे हैं जैसे प्रोडक्ट, ऑपरेशन नंबर, ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ साइकिल, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें फुल डिटेल होती है। ठीक है, एलिमेंट डिस्क्रिप्शन और ऑब्जर्व टाइम। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने नहीं बताई हैं क्लास में, अभी नहीं हुई, जैसे रेटिंग फैक्टर ये नहीं हुआ, नॉर्मल टाइम, अलाउंस, स्टैंडर्ड टाइम, तो ये आगे की क्लास में टॉपिक होने हैं। लेकिन ये टाइम स्टडी फॉर्म क्योंकि अभी आ गया तो यहाँ पे हम इनके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, यहाँ तो बस हम जो है टूल्स देख रहे हैं जो टाइम स्टडी में यूज़ हो रहे हैं। तो उसमें टाइम स्टडी फॉर्म भी है, अब इसके बारे में देख लीजिए। टाइम स्टडी फॉर्म्स आर प्रिंटेड और साइक्लोस्टाइल फॉर्म यूज फॉर रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग टाइम स्टडी। ये फॉर्म जो है वो प्रिंटेड होते हैं और इनको हम टाइम स्टडी बोर्ड में लगा देते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन जो भी रिकॉर्ड हम करेंगे वो सब इसमें लिखने के लिए ऑप्शन होते हैं। इट इंश्योर दैट टाइम स्टडीज़ आर मेड इन अ स्टैंडर्ड मैनर। इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो टाइम स्टडी है वो एक स्टैंडर्ड मैनर में स्टैंडर्ड तरीके से हो और कोई भी ज़रूरी डाटा छूटने ना पाए, ठीक है। और दीज फॉर्म्स आर अटैच्ड टू द टाइम स्टडी बोर्ड बाय मीन्स ऑफ द क्लिप प्रोवाइडेड। ये मैंने आपको भी बताया कि इनको हम क्लिप के थ्रू टाइम स्टडी बोर्ड में अटैच कर देते हैं। द टाइम स्टडी कंटेंस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशन बींग स्टडीड। जो भी ऑपरेशन को आप स्टडी कर रहे हो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन टाइम स्टडी सीट पर होती है, जैसे डिपार्टमेंट हो गया, मटेरियल ऑफ पार्ट, पार्ट नंबर, ऑपरेटर का नाम, डेट और स्पेस फॉर नोटिंग डाउन द रीडिंग्स फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट। और हर एक्टिविटी के टाइमिंग को नोट करने के लिए स्पेस भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों इसमें अवेलेबल होती हैं। तो ये हमने वेरियस टूल्स पढ़ लिए टाइम स्टडी के। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आए होंगे, समझ में आया हो लेक्चर तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल से जुड़े सभी अपडेट उनको मिलते रहें। अब आज की क्लास को हम यहीं एंड कर रहे हैं, नई क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।